साथियों, आज हम जिस जगह पर आए हुए हैं वो है मायरा की गुफा, महाराणा प्रताप का शस्त्रागार। जी हाँ, ये वही जगह है जहाँ पर महाराणा प्रताप अपने शस्त्रों को रखते थे। तो चलिए, गुफा के बारे में हम आपको थोड़ी देर में लेकर जाएंगे। हम आपको वो स्थान बताते हैं जहाँ पर मायरा की गुफा से जल जाता है। देखिए, ये वो पहाड़ है, इस पहाड़ियों के बीच में से मायरा की गुफा में जल की व्यवस्था होती थी उस समय। तो ये मायरा की गुफा में जो हम आए हैं वो इतना दुर्गम पहाड़ी रास्ता है कि जहाँ तक आ पाना आज के ज़माने में भी इतना मुश्किल रहा हमारे लिए। तो आप सोच सकते हैं कि 500 साल पहले किस तरह से मुश्किल रहा होगा। आप वीडियो में देख सकते हैं कितना घनघोर जंगल है यह। तो आज भी हमने इतनी कठिनाइयों के साथ, पथरीले रास्तों के साथ में हमने सफ़र तय किया है। तो आज हम कल्पना कर सकते हैं कि उस ज़माने में ये कितना दुर्गम रास्ता रहा होगा। तो इसी कारण से महाराणा प्रताप इन जंगलों में महाराणा अरावली की शरण में रहे थे और अकबर के सैनिकों का या अकबर को उनको ढूंढ पाना असंभव रहा था। आज भी यह पूरी तरह से प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। तो मायरा की गुफा के हम आपको बहुत जल्दी नीचे लेके चल रहे हैं। देखिए, यहाँ से जो नीचे का जो दिख रहा है मायरा की गुफा, वहाँ नीचे है, उधर वहाँ हमें मायरा की गुफा दिखती है। तो ये हम इस प्लेस के ऊपर खड़े हुए हैं, यहाँ पर ये गाड़ियों की पार्किंग है। तो जो पेशेवर चालक हैं वही यहाँ तक गाड़ी ला सकते हैं, हम तो नहीं लेकर आ पाए। हमारी गाड़ी तो बहुत दूर हमने खड़ी की है क्योंकि रास्ता इतना ख़राब है। आज भी इतने सालों बाद भी अगर ऐसा रास्ता है तो हम उस ज़माने की कल्पना कर सकते हैं। तो महाराणा प्रताप जो थे वह उनके छापामार युद्ध पद्धति का शस्त्रागार ही था। वो अपने सैनिकों के जो शस्त्र थे वो इसी जगह पर रखते थे। तो कैसी है ये गुफा, क्या है उसके अंदर, चलिए हम थोड़ी देर में देखते हैं। चलिए चलते हैं। हमारे टाइम में स्कूल में कोई भी, तो दोस्तों अब जो हम आ चुके हैं महाराणा प्रताप का जो शस्त्रागार है मायरा की गुफा, तो ये आपके सामने दिख रहा है सूर्य द्वार और ये है अश्वशाला। तो हम चलते हैं अंदर कि क्या इसके अंदर क्या विशेषता है। तो आप देख सकते हैं ये एक संकरा रास्ता है। ये आज वर्तमान हालात में आप देख सकते हैं, वर्तमान ये भी बना हुआ है शायद मुख्य गुफा। ये गुफाएं हैं, बहुत ही दुर्गम। अब हम मुख्य गुफा की तरफ जा रहे हैं। ये है मुख्य गुफा। मुख्य गुफा और भी नीचे है। ये जो आपके सामने दिख रही है ये है असली मायरा की गुफा। देखिए आप अंदर से देख सकते हैं किस तरह से शस्त्रागारों को यही रखा जाता था। तो ओरिजिनल गुफा जो मायरा की गुफा है वो यही है। देखिए, बहुत ही दुर्गम जगह पर बनी हुई है जहाँ पर 500 साल बाद हम आए हैं तो भी इतनी हमें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, और ये नीचे जगह है जहाँ पर भी अलग अलग पर्यटक घूम रहे हैं। ये देखिए, एक और गुफा हमने आपको बताई थी। तो ये है मायरा की गुफा, महाराणा प्रताप का शस्त्रागार। चलिए हम और आपको नज़ारे बताते हैं। ये देखिए इसका सुंदर नज़ारा। अब हम मायरा की गुफा के पास में ही गुफा है जिसका हम जिक्र करने वाले। देखिए आप अंदर के अंदर ही कितनी गुफाएं हैं। ये देखिए मंदिर है, यहाँ पर माता जी का मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये ऊपर हम देख सकते हैं, बहुत ही प्राचीन स्थल। ये वही झरना है जिसकी हमने बात की थी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से पानी आ रहा है, शिवलिंग है यहीं पर।
ये देखिए खौफनाक मंजर है, यह भयानक मंजर है। जो देखो अच्छा थोड़ा चढ़ो आगे देखिए संरचना, आप गुफा की जो संरचना है वो देखिए। संरचना देखिए आप गुफा की, आज भी इतनी दुर्गम है तो उस जमाने में यह क्या रही होगी। एक अद्भुत नजारा है यह विहंगम, विहंगम और अद्भुत नजारा। अंदर से भी कोई जा सकते हैं? नहीं ना, इसके अंदर से कोई नहीं जा सकता। जय श्री कृष्ण। मीमांसा हिस्ट्री की तरफ से आज मैं राकेश कुमावत और मेरे भाई मनीष कुमावत हम आए हैं मायरा की गुफा, जो कि महाराणा प्रताप की शस्त्रागार स्थली और शरणागति स्थली है। यहाँ पर उन्होंने शरण भी ली थी और अपने शस्त्र भी छुपाए थे। बहुत विस्तृत चट्टानों, प्राकृतिक तरीके से चट्टानें जो कटी हुई है उसमें गुफाएं बनी हुई है और गुफाओं की श्रृंखला है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी अनेक श्रृंखलाएँ जो आपस में जुड़ी हुई है। वहाँ पर महाराणा प्रताप ने अपने शस्त्र छिपाए, जैसा कि आपने अभी इस वीडियो में देखा। ये पीछे देखो सुरम्य झरना बह रहा है, जो बारिश के दिनों में और ज़्यादा मनोरम हो जाता है। अभी केवल एक बारिश हुई है और पूरा बारिश का जो सीजन होने वाला है उसमें बहुत ही बड़ा विकराल रूप ये झरना धारण कर लेगा। तो हम इस सुरम्य जगह पर आए हैं, आज दिनांक 20 जून 2021 है और ये मनोरम याद हमेशा हमेशा हमारे जीवन का जो स्मृति पटल है उस पर अंकित रहेगी।